हेलो, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए, एक क्वेश्चन आप स्ट्रेट लाइन के सेकंड वीडियो में हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हम लिखा, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। तो देखिए, आपको थीटा दे रखा कितना है, 60 डिग्री। तो आप जानते हैं स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला होता है एम एम इज इक्वल टू 10 60, और 10 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3 होती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल 40 सेकेंड्स में ही सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखें। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 3x माइनस 3y -7 = 0। तो आपको क्या पता करना है, फर्स्ट ग्रेडियंट ऑफ लाइन, सेकंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, और थर्ड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ये तीन बातें यहां पर पूछी गई हैं बच्चों क्वेश्चन में। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा आंसर। आपको इक्वेशन लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और वो है 3x - 3y - 7 = 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा और सही ढंग से लिखेंगे। एक्चुअली हम इसे स्लोप फॉर्म में बदलेंगे। स्लोप फॉर्म होती है हमारी y = mx + c। तो यहाँ हम लिखेंगे -3y = -3x + 7, माइनस इन टू कर देंगे तो आ जाएगा 3x - 7, और y = 3x/3 7/3, एंड y = x - 7/3। तो ये हमने यहाँ पर निकाला। तो अब ये हमारा देखिए स्लोप फॉर्म आ गया, y = mx + c, y = mx + c। तो ये हमारा देखिए स्लोप फॉर्म आ गया। अब इससे हम सारी चीजों को निकालें, तो हम लिखेंगे कंपेयर y = 7/3 विद y = mx + c। तो देखिए m कितना आएगा, 1, क्यों, x के साथ इंटू में जो होता है वो m होता है, यहाँ x के साथ इंटू में 1, और c कितना होगा, -7/3। ये आपका आंसर है, -7/3। ठीक है, तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था ग्रेडियंट बताइए, तो ये ग्रेडियंट निकला। ग्रेडियंट या स्लोप एक ही चीज होती है। अब देखें वो क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो अगर हम कंपेयर में ये हो गया, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में लिखा है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का मतलब थीटा पूछ रहे हैं। थीटा पूछे, तो आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m होता है, और m कितना दे रखा है, 1। तो आपको ये पता है थीटा के किस एंगल का मान 1 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है 45 डिग्री। ये आपको टेबल बच्चों याद करनी पड़ेगी, जो 9th में आपने याद की थी टेबल, उसी को आपको यहाँ पर फिर से रिवाइज करना होगा। तो ये आपका आ गया सेकेंड, जिसमें हमने पूछा क्या, इंक्लिनेशन। अब आइए थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, तो एक्चुअली ये जो सी होता है यही वाई से इंटरसेप्ट होता है, तो सी इज इक्वल टू -7/3। ये माइनस ये बता रहा है कि वो एक्स के नीचे वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा ये तीन इसके पार्ट जो मैंने आपको बताए वो यहाँ पर क्वेश्चन में थे। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आसान होता है, वाई इंटरसेप्ट जो चीज दी होगी उसका मतलब ही है कि वाई इंटरसेप्ट मतलब कि वो सी की वैल्यू दे रखी है, वाई इंटरसेप्ट मतलब सी। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड
पासिंग एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -1। देखिए पहले तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और वो इस पॉइंट से होकर जा रही है। तो देखिए क्वेश्चन को कई तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब इन्होंने यहाँ पर एक बात कही है, ये देखिए जब कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होती है तो हमने तीन फॉर्म आपको बताए, एक तो होता है स्लोप फॉर्म जिसमें एम और सी दिया होना चाहिए, और एक होता है पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म में हमें एम और एक पॉइंट दिया होता, तो यहाँ देखिए एक पॉइंट दिया है, एम नहीं दिया है, एम। अब एम निकल आए तो हमारा क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जो आपकी लाइन है वो क्या है, एस 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 के पैरेलल है, ये है। तो जो भी एस एस के पैरेलल होती है उसका थीटा कितना होता है, 0। तो हम यहां से एम की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम यहां लिखेंगे सिंस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो सिंस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस सो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो स्लोप स्लोप एम एम इज इक्वल टू टेन 0। टेन 0 मतलब 0, उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो जब स्लोप 0 हो गया तो आप फॉर्मूला जानते हैं, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन क्या कहता है, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन ये कहता है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। तो हम यहां लिख देंगे y माइनस वाई वन, वाई वन देखिए कितना है आपका 3, 5, मतलब 5 हो गया, माइनस का 5 ये मिलेगा, और m यहाँ 0 हो गया, x ये लिखा x माइनस 3, तो ये सब कैंसिल हो गया, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 5। तो ये उसकी इक्वेशन बन गई। तो ये बहुत ही अलग तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आपको बताया कि आप इसको समझ सकें। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखें या y इक्वल टू 5 माइनस 5 लिखें, बोथ आर सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आपको इनको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की टॉपिक को मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये बहुत जल्दी फिनिश हम करेंगे इसे। आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप इस चैनल को लाइक करिए जिससे कि YouTube जो है वो इसको और प्रमोट कर सके। थैंक यू वेरी मच।